जैद भाई ने बताई और कमाल की बात बताई कि आपने अगर अपने बच्चों की गलत परवरिश की है तो आपको उसका तावान भुगतना है, यानी उसका जो फाइन है उसमें हिस्सेदारी आपकी है। कैसर भाई, क्या इस तरह का कोई निजाम हमारे सिस्टम में है, यानी हमसे अगर कोई गैर इरादतन एक्सीडेंट में मौत हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, जैसे हम केसेस सुनते रहते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस सुनते रहते हैं या दूसरे केसेस सुनते हैं, तो क्या इस तरह के केसेस में हमारे कानून में कोई ऐसा प्रावधान है जो इंसान को इंश्योरेंस के अलावा कोई ऐसी सख्त सजा दे जिससे वो दोबारा ये काम ना करे या वो उससे लापरवाही ना हो? इसमें अगर हम लीगली देखेंगे तो जो सेक्शन है, देखिए जैद भाई ने जो बात की वो है गैर इरादतन, जिसको हम 304A सेक्शन में कवर करते हैं। गैर इरादतन ये होता है कि चीज़ें आपके बस में नहीं थी और हो गया। जैसे अब ये समझ लीजिए कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और अचानक कोई आदमी क्रॉस कर रहा है और मैंने ब्रेक भी मारा, सब कुछ हुआ, लेकिन टक्कर हो गई, तो इसमें गैर इरादतन है। लेकिन अगर हम शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, तो इसमें चूँकि शराब जो है आदमी के जो रिस्पॉन्स सिस्टम है उसको कम से कम 3 गुने से कम कर देती है। एक जो रिस्पॉन्स आदमी करता है, अगर आप ये देख लीजिए कि 1/30 सेकेंड के फासले से अगर कोई चीज़ें हो रही तो हमको फ़र्क नहीं समझ में आएगा। जैसे मूवीज़ होती है, फ्रेम जो है 1/30 सेकेंड के अंदर अंदर चेंज हो जाती है, तो हमको वो कंटिन्यूस लगती है। शराब जो है उसको 3 गुने से कम कर देती है, 1/30 को 1/10 कर देगी। मतलब कि अगर हम ब्रेकिंग डिस्टेंस समझिए कहीं 50 मीटर है मेरा, तो शराब की हालत में मुझे कम से कम 150 मीटर का ब्रेकिंग डिस्टेंस चाहिए, और ये एक लग्जरी है जो मिलेगी नहीं, क्योंकि 150 मीटर से अगर आप देख ही लेंगे तो आप गाड़ी को रोक देंगे, आप देख नहीं पाएंगे 150 मीटर। तो अभी मुंबई पुलिस ने, आपने देखा होगा कि कई ऐसे केसेस में कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो 304A है उसमें सज़ा 2 साल की है और इसमें सज़ा 10 साल तक की है। तो कई केसेस में हम लोगों ने ये लगाया जहाँ हमें मालूम है कि ये साहब शराब पिए हुए थे और फिर भी गाड़ी चला रहे थे, तो उसमें फिर गैर इरादतन का अंसूर ही ख़त्म हो गया। शराब पी के इरादा? जी जनाब, आपने अगर शराब पी के गाड़ी चलाई, इसका मतलब है कि आपको मालूम है कि आप अपने बस में नहीं हो और उसके बावजूद आप गाड़ी चला रहे हो। ना सिर्फ कि लीगली ऑफेंस है बल्कि ये आपको एक्सीडेंट की तरफ ले भी जाएगा। तो इसमें हम बहुत बार इसको 304A Part 2 ये लगाते हैं इंडियन पिनल कोड का, जिसमें कि ज़्यादा सज़ा है। दूसरी बात जो है, यहाँ पे अगर एक्सीडेंट होता है तो ना सिर्फ कि ड्राइवर बल्कि उसके ओनर की भी लाइबिलिटी होती है। ये अगर ओनर खुद ही गाड़ी नहीं चला रहा है, उसका ड्राइवर चला रहा है, तो तब भी ओनर की लाइबिलिटी आती है, विकारियस रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो भी उसमें शामिल होता है। तीसरा ये है कि इंश्योरेंस का जो सिस्टम है ग्लोबली, उसमें यह है कि अगर आपने कोई एक्सीडेंट नहीं किया और आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया, तो आपको उस पर एक डिस्काउंट मिलता है। कई सालों का आपका गुड बिहेवियर रहेगा तो आपका प्रीमियम घट जाएगा, और आपने अगर क्लेम किया है, आपने गलती की है, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो एक डायनेमिक सिस्टम भी है। तो लॉ में ऐसे प्रोविजंस हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात को समझें कि कौन सा गैर इरादतन है और कौन सा इस हालत में है। और अब जो अवेयरनेस आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन में भी, उसमें अब ये देखा जा रहा है कि अगर शराब के नशे में है आदमी, तो हम अमूमन उसको 304A Part B में, जिसमें कि ज़्यादा सज़ा है, उसमें चार्ज करते हैं, उसमें गैर इरादतन का हिस्सा ही ख़त्म हो जाता है। तो आपने ऐसी हालात पैदा किए, इतने डेंजरस कंडीशन में आप ड्राइव कर रहे थे कि इससे एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी। तो इस हिसाब से कई चीज़ें चेंज हो रही हैं, और मुझे लगता है कि जिस किस्म के एक्सीडेंट हम देखते हैं और मीडिया में पढ़ते हैं, बहुत जल्द लीगल सिस्टम में भी कुछ इसमें चेंजेस होंगी। यानी कानून है हमारे पास और काफ़ी हद तक कानून है, लेकिन हम ज़ाती तौर पर कानून की परवाह नहीं करते और कानून वाले भी शायद ठीक तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में ये क्योस फैलता है, जिसके नतीजे में समाज में इस तरह की बुराई पैदा होती है जो रैश ड्राइविंग की तरह, जो ड्रंक एंड ड्राइविंग की तरफ और जो एक्सीडेंट की तरफ हमको लेके जाती है।